Hello viewers, in today's session we would be talking about divisibility rules using the concept of Vilokanam under Vedic maths. Okay, like जब हम divisibility की बात करते हैं तो basically we need to identify whether the given number is divisible by the divisor or not. और divisor से divisible है इसका मतलब कि वहाँ पर हमारा जो remainder है that is coming out to be zero or not. तो आज के डिस्कशन में हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे और जब हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट से तो बेसिकली वी टॉक अबाउट टू सबसूत्रस. वन इज़ विलोकनम विच वी विल बी टेकिंग इन टुडेज सेशन एंड इसके बाद जो है आगे के सेशंस में इनके और भी सबसूत्रस की बात करेंगे जैसे कि जिससे कि हम एक्चुअली डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम अप टू द बेसिक कंसेप्ट कि डिविजिबिलिटी क्या है और कैसे हम इसको जो है वैदिक मैथ्स के थ्रू विलोकनम से हम एक्चुअली डिविजिबिलिटी को समझ सकते हैं. नाउ सबसे पहले जो हमारा टर्म आ रहा है आज के डिस्कशन में दैट इज विलोकनम. विलोकनम इज व्हाट? विलोकनम इज वन ऑफ द सबसूत्र ऑफ वैदिक मैथ्स एंड द मीनिंग ऑफ विलोकनम इज ऑब्जर्वेशन. देखिए कई चीज होती है जो हम ऑब्जर्व करके देख कर ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी डन दैट वे और नॉट. तो विलोकनम इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सबसूत्र ऑफ वैदिक मैथ्स. हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं, वी नीड अ गुड ऑब्जर्वेशन. एंड सेम वे आज के हम डिविजिबिलिटी के जो रूल्स देखेंगे या कंसेप्ट देखेंगे उसमें हम विलोकनम करेंगे. सो मेयरली बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन आइडेंटिफाई वेदर जो भी हमारा डिविडेंट है उस पर्टिकुलर डिविजर से वो प्रॉपरली डिविजिबल है कि नहीं है. और डिविजिबल का मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस एनी रिमाइंडर. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2, 3 बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ डिविजिबिलिटी तो हम सबसे पहले 1, 2 और इसकी बात करेंगे. सो इफ़ वी स्टार्ट विथ 1, 2, 3, 4 सो हम बाय एंड बाय एक एक नंबर्स लेते जाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर वॉट आर द डिविजिबिलिटी रूल्स जिसको कि हम सिंपल विलोकनम से मेकआउट कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन इंश्योर वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर और नॉट. सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं तो वी विल बी लीविंग डाउन 1 बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर. सो वी लीव डाउन 1. नाउ विल कम टू द सेकेंड वैल्यू दैट इज 2. ओके, नाउ अगर सपोज हम कहते हैं 46 डिवाइडेड बाय 2 तो हाउ वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. बेसिक विलोकनम से व्हाट वी कम टू अ थिंग दैट कि अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है सो वी नीड टू इंश्योर कि हमारा जो डिविजर है डिविडेंट ऊपर वाला हमारा डिविडेंट होता है ओके एंड नीचे वाला हमारा डिविजर होता है. तो अगर हमारा डिविडेंट जो कि हमारा न्यूमरेटर वाला नंबर है और अगर वो न्यूमरेटर वाले नंबर में जो लास्ट डिजिट है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इवन ओके सो वी हैव टू टेक अप दैट ओके द नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड और प्रॉपरली डिवाइड बाय योर टू. ओके, नाउ इवन का मतलब क्या होता है? इवन नंबर इज समथिंग विच इज़ डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2 मतलब 2, 4, 6, 8, 0. अगर हमारा न्यूमरेटर में हमारा जो वैल्यू है उसका जो लास्ट डिजिट है अगर वो एंड हो रहा है 2, 4, 6, 8 या 0 तो इसका मतलब इट इज़ अज्यूम दैट द लास्ट डिजिट इज इवन एंड इफ द लास्ट डिजिट इज इवन इट मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल बाय 2. सो दिस इज़ द बेसिक. तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोई एक हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशंस नहीं यूज़ कर रहे हैं बट वी आर बेसिकली यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ विलोकनम दैट इज बाय मियरली ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द लास्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंट. हमारा जो डिविडेंट है या जो न्यूमरेटर है उसके हमने लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व किया एंड सिंपली वी मेक आउट इफ द लास्ट डिजिट इज ईदर 2, 4, 6, 8 or 0 देन इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉपरली डिवाइडेड. Okay, so this is the rule when we talk about divisibility by 2. Next we come to the second value that is 3. तो हम थोड़ा से इस चीज़ को compile कर लें कि अगर हमें 2 की divisibility हमें check करनी है तो what we assume कि numerator का जो last digit है okay, that has to be even. And when I talk about even, so it is going to end with 0, 2, 4, 6 and 8. So this is the first thing we have discussed. Now we come to the next number that is divisibility by 3. Now agar hame check karna hai suppose 43 is divisible by 3 or not. To isme hum kya karte hain, we use the concept of digital sum. And what is digital sum?
डिजिटल सम इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. इसका मतलब हमारे यहाँ पर डिविडेंड क्या है, 43 है. तो हम क्या करेंगे, 4+3 करेंगे. 4+3 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट 7, सो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो हेंस व्हाट वी कंक्लूड कि ये जो नंबर है वो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, या अगर डिवाइड होगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ रिक्वायर्ड रिमाइंडर. सेम वे अगर हम इसको 43 नहीं करके इफ आई मेक इट एज 42, सो व्हाट इट विल बी, 4+2 इज 6. 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो इट इज़ डिविजिबल. इट इज़ डिविजिबल इसका मतलब जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो इट वॉन्ट बी गिविंग एनी रिमाइंडर. सो दिस इज़ द रूल फॉर द डिविजन विथ 3. इसका मतलब जब भी हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, वॉट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू टेक द डिजिटल सम. एंड वॉट इज डिजिटल सम, डिजिटल सम इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर. नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल. सपोज अगर हमने किया 96 को हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो मैंने आपको क्या बताया कि हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे. अब डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 9+6 15 है. 15 इट इज स्टिल अ टू डिजिट. आई कैन गो फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिंगल डिजिट. सो फर्दर व्हाट आई कैन डू इज 1+5 इज इक्वल टू 6. इसका मतलब हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया. इसका मतलब इस स्टेप के बाद आप हो सकता है आप यहीं पर फ्रीज कर लें एंड यू कैन कंक्लूड दैट ओके 15 इज डिविजिबल बाय 3. बट स्टिल यू कैन इवन गो अ स्टेप फर्दर कि 15 को आपने डिफाइन किया एज 1+5. 1+5 कम्स आउट टू बी 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3. तो इसका मतलब व्हाट इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन कि जब हम 3 की बात करते हैं या 3 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो व्हाट वी गो फॉर इज डूइंग, वी गो फॉर चेकिंग द डिजिटल सम. और डिजिटल सम की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट की है वो हम कैसे करते हैं, बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर. ओके, और कौन से नंबर का, न्यूमरेटर का, जिसको हमें डिवाइड करना है. और अगर ये जो डिजिटल सम आ रहा है वो अगर हमारा डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू होगा, सपोज वी टेक अनदर एग्जांपल, सपोज 673, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो 673 हम क्या करेंगे, 6+7+3, तो इट कम्स आउट टू बी 16. 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. और इसको अगर आप फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट एज 6+1. 6+1 इज 7 एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो दिस इज हाउ मियरली बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ही है क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ का सिंपल समेशन कर रहे हैं. तो ये सिंपल वैल्यूज़ का आप समेशन करेंगे एंड देन यू कैन कंक्लूड दैट ओके द नंबर इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल. सो वॉट वी हैव लर्न फॉर द सेकेंड रूल इज दैट कि अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो वी गो फॉर एडिंग नंबर्स ऑफ द न्यूमरेटर. और वो नंबर्स को हम तब तक ऐड करते हैं जब तक हमारा सिंगल डिजिट ना आ जाए. एंड वंस वी गेट द सिंगल डिजिट उसके बाद हम वो चेक करते हैं कि वेदर दैट डिजिटल सम आउटपुट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. इफ इट इज डिविजिबल इट मींस हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू गेट अ रेलेवेंट रिमाइंडर. ओके, सो लेट्स टेक अप द थर्ड वैल्यू. 2 हमने देख लिया, उसके बाद हमने 3 देख लिया. Now, next we come up to the value of 4. 4 के लिए हमारा basic rule क्या है? हमारा जो भी number होगा, उसके आखिरी दो digit हम consider करेंगे. और आखिरी दो digit अगर हमारे 4 से divide हो रहे हैं, it means that particular value is divisible by 4. Suppose I talk about 114. Okay, 114 में आखिरी दो digit हमारे क्या हो गए? 14 हो गए. 14 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं. इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू होगी दैट वोंट बी आल्सो डिविजिबल बाय 4. आई विल टेक अनदर एग्जांपल. वी हैव 224. ठीक है, आखिरी दो डिजिट हमारे क्या हो गए? 24 हो गया. 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24. सो ओके, दिस इज डिविजिबल. हम इसको एक पूरे प्रोसेस में भी कर लें, 4 5 20, रिमाइंडर 2, 4 6 24. सो दैट इज ऑल्सो अ चेक कि जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमने जो कंडीशन अप्लाई किया है या जो डिफाइन किया है वेदर इट इज राइट और नॉट. सो 4 के डिविजिबिलिटी के लिए व्हाट वी कम अप इज दैट वी टॉक अबाउट द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर. जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसको हम, उसके आखिरी दो डिजिट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इफ दिस वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 4,
it means the whole value will be divisible. Let's take another example. Suppose हमारा है 756. If it is divisible by 4, हम इसको छोड़ देते हैं. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. 56 को हमने consider किया. 56 is divisible by 4. Hence, we can conclude कि this whole number will be divisible by 4. Because देखिए, जब हम competitive exams की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास बड़े values हैं, if we are working with long values, long figures, long digits, so हमारे पास ये feasibility नहीं है कि हम पूरी value को जाके check करें. So simple is that कि हम अपने कुछ rules define कर लें, and simple by using those particular rules, we can actually conclude whether the number is divisible or not divisible. So that was the rule regarding divisibility by 4. Next we come to the divisibility with 5. Divisibility with 5, we have a simple rule. If the last digit is ending with 0 or 5, agar hamara jo bhi divisor hai, suppose agar humne 250 ki baat ki, agar hamara aakhri value ya to 0 hai ya to 5 hai. So we are making a basic observation ki aakhri digit, the last digit of the dividend, if it is ending with 0 or 5, it means it is divisible. So this is a simple rule that we need to make out. Same way, agar hamara 250 ho gaya, 255 ho gaya, aakhri digit ko humne simple dekha, so this is observation. Humne simple aakhri number ko dekha, aur simple aakhri number ke according humne conclude kiya whether it is divisible or not. So this was a simple rule ki humne last digit ko identify kiya. If it is ending with 0 or 5, then we say that the number is divisible. Next we come to the next value, that is 6. अगर हमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो, सो अगर हम 6 की बात करें तो 6 क्या है? 6 इज एक्चुअली 2 इंटू 3, ओके. एंड व्हेन वी टॉक इट एज 2 इंटू 3, तो 2 का हमने रूल क्या देखा? 2 का हमने रूल देखा कि दैट द नंबर शुड एंड विद एन इवन नंबर. एक ये हो गया. 3 के लिए हमने क्या देखा कि वहाँ पर जो डिजिटल सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3. अगर हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं, तो इसका मतलब द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट शुड एंड विथ एन इवन नंबर, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि उसका जो डिजिटल सम है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर डिजिटल सम को अगर हम 3 से डिवाइड करें, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, तो देन वी कंक्लूड दैट द नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 6. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Suppose we have 436. We need to check it whether it is divisible by 6 or not. So 6 ke liye humne kya kiya? Hum isko split karenge 2 and 3 dono ke conditions ko identify karne ke liye. Now 2 ka condition kya hai ki wo even number se end hona chahiye. We look at into the number, hum simple observe kar rahe hain. Observation ke according hume kya pata chal raha hai ki hamara jo last digit hai wo even hai. Iska matlab ye 2 ki divisibility ka condition fulfill kar raha hai. नेक्स्ट वी कम इन टू लुकिंग इन टू कि क्या ये 3 के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं. इसके लिए हम इसका डिजिटल सम निकाल लें. डिजिटल सम क्या होगा? 4 प्लस 3 प्लस 6, सो दैट इज गोइंग टू बी 13. 13, इसका मतलब 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब ये 3 की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, और क्योंकि फुलफिल नहीं कर रहा है, हेंस वी कंक्लूड कि ये वैल्यू जो है वो डिविजिबल 6 से नहीं होगा. इन स्पाइट कि पार्शली जब हमने चेक किया था तो हमने देखा था कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बट ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6? फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6, इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ डिविजिबिलिटी व्हाट? 2 एंड 3, दोनों के कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए. बट क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ये 2 का कर रहा है, 3 का नहीं कर रहा है, सो इट इज़ नॉट एक्चुअली फुलफिलिंग द कंडीशन. अब मैं इसको सपोज 426 कर देती हूँ. Now if I make it as 426, तो again I come up with the basic condition कि number हमारा even से end हो रहा है, तो इसका मतलब 2 से divisible है. अब अगर हम इसके 3 की divisibility कर ले, तो ये total कितना आ जाएगा? 12. अगर हम 12 की divisibility 3 से कर ले, तो yes it is divisible. And if it is divisible, इसका मतलब अब ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है. और अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब दिस नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 6. ओके, तो हम 6 के कंडीशन को कर सकते हैं कंपाइल कि पहला कंडीशन ये हमारे 2 के डिविजिबिलिटी रूल और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल करना चाहिए. 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हमारा लास्ट डिजिट जो है वो हमारा इवन होना चाहिए.
प्लस थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि डिजिटल सम जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय थ्री. तो अगर हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जा रहे हैं देन वी कैन कंक्लूड कि ये नंबर हमारा सिक्स से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. ओके सो नेक्स्ट वी कम अप विद द डिविजिबिलिटी ऑफ फर्दर नंबर्स. हम इसके बाद सेवन की बात करते हैं. हम इसमें कुछ नंबर्स छोड़ देंगे और ये मेरा जो अगला वीडियो होगा आई वुड बी टेकिंग अप दोज टिपिकल केसेस. अभी हम यहाँ पर सिक्स का छोड़ दे रहे हैं. सिक्स का तो हमने कर दिया है. आई एम लीविंग डाउन सेवन. आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन बिकॉज दीज आर सम ऑफ द टिपिकल केसेस. इसके बाद हम एट की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं. ओके अब हम एट की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं. सो वॉट इज़ द कंडीशन. आई से दैट कि अगर हम 8 के डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो आई टॉक अबाउट दैट द लास्ट थ्री डिजिट्स दे नीड टू बी डिविजिबल बाय 8. दिस इज द बेसिक कंडीशन. आखिरी के जो तीन डिजिट हैं वो हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए. सो सपोज इफ आई टॉक अबाउट 1136 एंड आई डिवाइडेड बाय 8 तो हम यहाँ पर ये तीन वैल्यूज को हम कंसिडर करेंगे. सो दैट गोज विथ 8 ones are 8. And so we have the remainder as 5, so 8 sevens. तो अगर हम 136 की बात करें तो ये वैल्यू हमारी डिविजिबल है. क्यों डिविजिबल है? क्योंकि हमने इसके आखिरी तीन डिजिट को लिया और आखिरी तीन डिजिट के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूड किया whether the number is divisible by 8 or not. So this is the basic check. Okay, और same way अगर हम इसको कर दें 2221. ओके सो फर्स्ट इज हमने ये तीन डिजिट्स लिए. फिर अब हम इन तीन डिजिट को चेक करेंगे. 8 2 16, 6 नॉट डिविजिबल क्योंकि रिमाइंडर आ जाएगा. तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. तो इसका मतलब अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी का रूल कोट करते हैं तो व्हाट इज द रूल? द रूल इज वी नीड टू टेक द लास्ट थ्री डिजिट्स और लास्ट थ्री डिजिट्स अगर हमारे डिवाइड हो जा रहे हैं इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट वी कम टू द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 के लिए फिर हम जाके उसका डिजिटल रूट निकालेंगे. अगर डिजिटल रूट हमारा जो है 9 से डिविजिबल है इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. सपोज हम बेसिक सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल ले लें 999. ओके हमें पता है ये डिविजिबल है. अब अगर इसका हम डिजिटल रूट निकाल देते हैं तो 9 3 कितना होगा? 27 होगा. 27 मतलब डिजिटल रूट को और हम कन्फाइन करें 2 + 7 = 9. 9 इज डिविजिबल बाय 9 हेंस इट इज डिविजिबल. तो हमने क्या किया? जैसे हम डिजिटल सम निकाल रहे थे वैसे यहाँ पर भी हम डिजिटल सम निकालेंगे. जैसे हमने 3 के केस में किया था डिजिटल सम को हम चेक कर रहे हैं. अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हमारा जो पूरा वैल्यू होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 3. सेम वे अगर हम 9 की भी बात करते हैं तो 9 के भी केस में हम उसका डिजिटल सम निकालेंगे. और डिजिटल सम क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द समेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर. अब मैं इसी वैल्यू को चेंज कर देती हूँ एज 991. आई नीड टू चेक इट वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट. 9 and 110 इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 9 + 9 + 1. सो दैट कम्स आउट टू बी 19. 19 मीन्स 1 + 9, सो दैट इज 10. 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. हेंस वी कंक्लूड कि ये जो वैल्यू है ये हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी. ओके सो दैट वॉज द रूल जब हम 9 के लिए करते हैं. नेक्स्ट हम 10 के लिए करेंगे. 10 के लिए सिंपल वी नीड टू एंश्योर कि हमारा जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट में अगर 0 एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज डिविजिबल बाय 10. तो आज के डिस्कशन में हमने ब्रॉडली क्या देखा? वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि विलोकनम से हम कैसे चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी में हमने सबसे पहले क्या देखा? 2 से अगर हमें चेक करना है सो द लास्ट डिजिट ऑफ द न्यूमरेटर नीड्स टू एंड विथ 0 2 4 6 8. 3 के लिए हमने क्या देखा? द डिजिटल सम. हम पूरे नंबर्स जो भी हमारे डिविडेंट हैं उसको हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है देन इट्स डिविजिबल. 4 के लिए हम अपने न्यूमरेटर के आखिरी दो डिजिट लेंगे. अगर वो डिवाइड हो जा रहा है 4 से देन इट इज सैटिस्फाइंग द कंडीशन. 5 के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. नेक्स्ट 6 के लिए हम चेक करेंगे कि 6 इज इक्वल टू 2 into 3 तो ये 2 और 3 दोनों के कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए.
नेक्स्ट हमने 8 के लिए देखा है आखिरी 3 डिजिट लेंगे. अगर आखिरी 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इट मींस इट इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन. सेम वे अगर हम 9 की बात करें, हम डिजिटल सम कैलकुलेट करेंगे. डिजिटल सम अगर हमारा 9 से डिवाइड हो जा रहा है, इट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. एंड द लास्ट इज 10. 10 में हम लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करेंगे. इफ़ इट इज़ एंडिंग विद 0, इट मींस दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. तो आज के हमने डिस्कशन में क्या देखा कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना हो, तो हियर वी हैव डेल्ट विद द स्मॉलर वैल्यूज एक्सेप्ट 7. आज के डिस्कशन में हमने 7 नहीं डिस्कस किया है. सो आई विल बी टेकिंग दीज थिंग्स इन द लेटर ऑन वीडियो. तो आज के डिस्कशन में हमने सिर्फ ये देखा कि विलोकनम से हम कैसे, हियर वी आर नॉट डूइंग एनी एलैबोरेट कैलकुलेशन. हमने सिंपल ऑब्जर्वेशन किया है, नंबर इवन है कि ऑड है, नंबर का जो डिजिटल सम है वो क्या है. तो डिजिटल सम तो हम बेसिक एडिशन है, वो कैलकुलेशन हम वर्बली कर सकते हैं. नंबर हमारा 0 से एंड कर रहा है, 5 से एंड कर रहा है कि नहीं. तो हमने बेसिक रूल्स लिए हैं एंड दीज रूल्स कम अंडर ऑब्जर्वेशन. और सिंपल विलोकनम से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो चाहे 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 7 को छोड़ दें, 8, 9, 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि अगर हमारा नंबर बड़ा है, ओके, 11, 12, 13, 14, तो ऐसे केसेस में हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, व्हाट आर द न्यू कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट एंड हाउ वी कैन एक्चुअली गो फॉर अंडरस्टैंडिंग इट. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन. थैंक्स अ लॉट. कीप व्यूइंग माय वीडियोस, कीप सजेस्टिंग योर व्यूज़. आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप उसको शेयर करिए. बी सेफ, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड. थैंक्स अ लॉट.